आम के आम गुठलियों के दाम देखकर रह जाओगे हैरान। तो ये क्या है अंकल जी? ये जी हेलीकॉप्टर है। अच्छा हाँ, ये हेलीकॉप्टर। हाँ जी। तो इसमें कितनी गुठलियाँ लगी हुई हैं? इसमें लगभग डेढ़ गुठली लगी है आम की। इसमें आम की डेढ़ गुठली लगी है और नीचे पहिए भी हैं। इसमें चौसा आम की गुठली लगी है। अच्छा, इसमें चौसा आम की गुठली लगी है। ओ, ये यानी कि उसकी चौसा की गुठली लंबी रहती है थोड़ी सी है? नहीं नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं रहती। हाँ, लंबी गुठली तो फजली आम की होती है। अच्छा, चौसा आम में ना दो तीन मेल के होते हैं साइज में। ये छोटे साइज का वो है। अच्छा, और इसका ये पंखा भी चलता है हेलीकॉप्टर का। अच्छा, पंख भी चलता है? हाँ। ये कैसे? हाँ, ये पंखा चलने वाला है, इसके पहिए भी चलते हैं। हाँ, ये पहिए चला के दिखाओ नीचे से भाई। अच्छा, ये हाँ ये लोहे की वाशले मैंने नीचे लगा रखी हैं। अच्छा हाँ, ओके। और उसके बाद ये हैंकल जी, ये चूहा है। ये चूहा बना दिया? हाँ, हाँ, चूहा है ये, देखो भाई गजब का चूहा। और अच्छा, नीचे चारों पैर भी हैं इसके दो? हाँ, पैर और पूंछ भी? पूंछ भी है। और क्या बात है अंकल जी, है ये एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा था शेर। अच्छा, काफी लगा शेर बन नहीं सका, आखिर फिर मैं इसको चूहा बना दिया शेर का। ठीक हाँ। है, इसमें मेरा बड़ा टाइम लग गया, मतलब शेर बनाने, शेर बन नहीं सका मेरे से। ओके, और ये अंकल जी, ये गिलहरी है जी। अच्छा, ये गिलहरी है? हाँ, गिलहरी है, ये पेड़ों पे चढ़ती है। ओके, इसमें कितनी गुठली लगी है? इसमें भी डेढ़ गुठली लगी है, आम की डेढ़ गुठली इसमें लगी है। और ये अंकल जी, ये छिपकली है। अच्छा, तो इसमें आधी गुठली आम की लगी है। हाँ, ओ इसने तो, ये तो मुंह में खा भी रही है कुछ है? कुछ खा रही है, मच्छर पकड़ रखा है इसने। ओके, और ये अंकल जी, ये मछली है। अच्छा हाँ, ये समुद्री मछली है। इसके दांत देखो ना कितने तेज हैं, क्या पेने बात है, कितने खूबसूरत दांत हैं। खूबसूरत दांत है, पंख भी हैं साइड में हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे भी इसके पंख हैं, साइड में भी पंख हैं। क्या बात है, कितने सुंदर, ये देखो भाई कितनी सुंदर मतलब मछली बना रखी है। और एक एक चीज़ दिखाएंगे, आराम से देखते रहो और वीडियो को खूब शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करते रहो। ये अंकल जी, ये भी समुद्री मछली है। अच्छा, शार्प मछली है। हाँ, अच्छा, ये शार्प मछली है। हाँ, ये चीजों को निगल जाती है, इसका मुंह देखो ना आगे कितना भयानक है। ओ, चीजों को निगल ही जाती है, खाती नहीं है। ठीक, ये चीजों को निगल जाती है। हाँ, इसके तो ये खाती नहीं है। हाँ, ये तो निगल जाती है चीजों को है। अच्छा, ये शार्क मछली, ठीक है। और ये अंकल जी, ये भी मछली है ना? ये तो मगरमच्छ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये मछली है। अच्छा, मछलियों की इतनी वैरायटी होती है, अनगिनत वैरायटी। क्योंकि हम टीवी पे चैनल देखते हैं ना। हाँ, डिस्कवरी। हाँ, उसमें समुद्री मछलियाँ दिखाते हैं जो हम देखते हैं, तो जैसा डिजाइन हमारी समझ में आया जो बन सकता था वैसा डिजाइन हमने बनाए हैं। तो इसमें कितनी गुठली लगी है? इसमें भी एक गुठली, छोटी गुठली लगी है बिल्कुल। ओके, बस ये देसी आम की गुठली है। अच्छा, देसी आम छोटे होते हैं। हाँ, हाँ, और गुठलियाँ भी छोटी होती हैं। बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग इसकी भी आपने कर दी ऊपर से। और ये वाला अंकल जी, ये भी मछली है। अच्छा, ये भी मछली है? ये भी मछली है, ये मैंने स्टैंड पे रखी हुई है। अच्छा, स्टैंड बनाया, स्टैंड पे ऐसे रख दी। ये अच्छा, ये नीचे स्टैंड बना दिया? हाँ, स्टैंड। और ये स्टैंड पे मछली रख दिया? हाँ, हाँ, वाह जी वाह अंकल जी। और ये वाली अंकल जी, ये भी मछली है, सुनहरी गोल्डन शिप। ये गोल्डन मछली होगी? मछलियाँ इतनी कलरफुल होती हैं, बहुत ही कलरफुल होती हैं। अच्छा हाँ, एक ही मछली में कई कई रंग होते हैं। ऐसी मछलियाँ हम अपने घर। इसमें कितनी गुठली लगी आम की? इसमें भी एक गुठली लगी है। एक गुठली सिर में लगी है। और ये वाले अंकल जी, ये भी वही गुठली है, एक ही गुठली की है। और ये भी मछली है? हाँ, ये भी मछली की। मछली की बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, ये भी मछली होगी है? नहीं, ये मछली नहीं है, ये सी हॉर्स है। अच्छा, ये सी हॉर्स है जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये सीधा खड़ा चलता है, जैसे खड़ा करो सीधा ऐसे? ये ये पानी में सीधा ऐसे ही चलता है ये। अच्छा, खड़ा ऐसे? खड़ा इस रुक चलाओ इसको। अच्छा, ऐसे 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 चलता पानी है में तैरते हैं, ऐसे पानी में तैरता है ये। अच्छा, पानी में तैरता है, समुद्री जीव जंतु है ये। समुद्री जीव जंतु है, सी हॉर्स। इसका नाम सी हॉर्स, सी हॉर्स। अच्छा, ये सी हॉर्स है। और ये भी मछली थी। और उसके बाद बहुत सारी आइटम है। और ये अंकल जी, क्या है? कठफोड़ा है। कठफोड़ा? कठफोड़ा हाँ, ये भी वृक्षों के तनों से जो सोते चौते हैं, जो हाँ, कीड़े मकोड़े तनों में रहते हैं। हाँ, लंबी चोंच है इसकी। हाँ, हाँ, लकड़ी को भी ये
काट देता है। अच्छा। इसकी इतनी तेज पैनी होती है नोक इसकी। अच्छा। ये लकड़ी को भी काट के अंदर से कीड़े मकोड़ों को तनों में से निकाल लेता है। ओ, यानी कि पेड़ के तने में से उसको काट के अंदर से कीड़ों को निकाल लेता है। अंदर कीड़ों को निकाल लेता है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है जी, ये तो बहुत ही गजब का। इसमें कितनी गुठली लगी आम की? इसमें आम की गुठली लगी है 2.25। 2.25 गुठली इसमें आम की लगी है। लेकिन आपने जो इसका कलरफुल किया है बहुत ही सुंदर। ये कठफोड़ा कलरफुल ही होता पक्षी है। ओ, पक्षी ही कलरफुल होता है ये। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात है, बहुत खूब है। और ये तो मछली की हमने बात कर ली थी, और ये क्या है जी? ये जी कबूतर है। अच्छा, कबूतर। हाँ, ये जो आम को घरों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं हमने हरियाणा में, तो पूरे देश भर में। तो इसमें कितनी गुठली लगी आम की? इसमें आम की 2 गुठलियाँ लगी हैं। अच्छा भाई, ये पूरा जितने भी हम आपको पक्षी दिखाने लग रहे हैं ना, ये सारे आम की गुठलियों से बने हैं। लेकिन आम की गुठलियाँ, अलग अलग वैरायटी के आम की गुठलियाँ लगी हैं। आप देख देख के हैरान रह जाओगे कि आम की कितनी गुठलियों से, और गुठलियों से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और क्या अंकल जी की डिज़ाइनिंग कितनी गजब की है। और ये अंकल जी, ये बत्तख है। ये बत्तख है? हाँ जी। अच्छा, गुड। और ये तो नीचे जो है, ये आम की आधी गुठली है। ये आधी गुठली है, उसको उठा के नीचे से ये देखो, ये भी आम की आधी गुठली है। ओके। और ये सारा गजब, क्या सुंदर इसका भी कलरफुल डिजाइन। और मुंह देखो भाई, मुंह भी और आंख भी, कितनी सुंदर आंख है इसकी, और कितना सुंदर मुंह है। और ये बड़ा अंकल जी, ये उल्लू है। अच्छा, उल्लू। हाँ। उल्लू वैसे रियल में भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ जी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, वो ये उल्लू का मुंह हो गया, और ये इसके दो कान से हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, कान हो गए। और ये पीछे से इसका इस तरह है। अच्छा, ये पंख इसी तरह होते हैं उल्लू के? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है, क्या बात है अंकल जी। और ये तो देखो भी, पीछे से कितना सुंदर है, मतलब आप देखते रह जाओगे, इतनी सुंदर कलाकृति है उल्लू की। तो इसमें आम की गुठली अंकल जी? इसमें भी आम की 1.5 गुठली लगी है। 1.5 गुठली इसमें लगी है, और आम की ही ये गुठली के डाले बना रखी जिसमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुठली का स्टैंड भी, स्टैंड भी इसमें आम की गुठली का हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और भाई अगला पीस है, और ये अंकल जी तोता। तोता है, पैरेट है, बच्चों का प्रिय तोता है। वाह अंकल जी, और आपने वही इसकी जो चोंच है लाल और हरा, और बीच में जैसे जैसे तोते में कलर होता है वही है। तो इसमें कौन सा आम की गुठली है? इसमें भी देसी आम की, देसी आम की गुठली है। तो कितनी गुठली से बनाएंगे जी? ये भी 1.5 गुठली। 1.5 गुठली, क्योंकि एक गुठली से हम इसका वो शरीर बनाते हैं। हाँ, एक गुठलियों के समान बीच में वेस्टेज भी निकल जाती है ना, वेस्टेज निकल जाती है जी। तो लेकिन स्टैंड तो लकड़ी का है। हाँ, स्टैंड लकड़ी का है। लेकिन ये पूरा जो उसकी टांगे बनाई गई हैं, ये बांस है। अच्छा, टांगे बांस की हैं। हाँ हाँ, ऊपर पूरा तोता गुठली का है, आम की गुठली का, नीचे लकड़ी का स्टैंड है। क्या बात है अंकल जी। और ये अंकल जी, ये वाला बगुला है। बगुला? हाँ हाँ भाई, बगुला। देखो, आप जब खेतों में पानी देते हैं तो बड़ी संख्या में बगुले, पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ के आ जाते हैं वो, है। और वैसे दिखते नहीं अपने को। हल चलते हैं, हल के पीछे भी जो जमीन में कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, वो हल के पीछे दौड़ते रहते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं। एक चीज नहीं समझ में आई अंकल जी, वैसे बगुले नहीं दिखते, लेकिन हल चलता है या जब पानी देते तब आ जाते हैं कहाँ से। तब उनको पता होता है भाई, जमीन नीचे खुदाई होगी तो कीड़े मकोड़े निकलेंगे नीचे दबे हुए, तो उनको। क्या बात है। और तो इसमें तो कुछ ज्यादा गुठली लगी होंगी, दो से? हाँ, लगभग 2 गुठलियाँ लगी हुई हैं। लगभग 2 गुठलियाँ लगी हैं भाई, बहुत सुंदर भाई। बुगला देखो, बुगले की आप, क्या बात है, पीछे से भी मतलब गजब कर दिया भाई अंकल जी ने, ये बुगला। और ये तो भाई इसने, ये अंकल जी, ये भी बुगला है। अच्छा, ये भी बुगला है, भी बुगला। और ये तो मुंह में खा भी रहा है मछली। हाँ, कीड़ा है, इसने कुछ चीज पकड़ी हुई है खाने के लिए, खाने के लिए पकड़ी हुई है। और ये देखो भाई, बुगले की जो आम की गुठली से ही इसका जो पीछे पंख है, और आम की गुठली से, ये भी आम की गुठली का जो कीड़ा है, सारा आम की गुठली से है ये भी है। बहुत सुंदर अंकल जी। और ये देखो ना, 2 गुठलियों का बना हुआ है ये। हाँ, एक गुठली एक है, ये बीच वाली गुठली लग गए। हाँ, इसमें तीन गुठलियाँ लगी हुई हैं आम, तीन गुठलियाँ इसमें लगी हैं। और ये अंकल जी, ये बहुत सुंदर है, ये क्या है? बाज है। अच्छा, बाज। हाँ जी, जो पक्षियों उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेता, खा लेता है। उड़ते पक्षियों को, उड़ते पक्षियों को ये खा लेता, पकड़ लेता है। चिड़ी, खासकर चिड़िये, जब
छोटे पक्षियों को पता लगता है कि आसमान में बाज उड़ रहे हैं, तो छोटी पक्षी पत्तों में छुप जाती हैं, पेड़ों के पत्ते में, ताकि दिखाई ना दें, दिखाई ना दें। लेकिन इसकी तो नज़र बहुत हाँ, इसकी नज़र बहुत तेज होती है बाज की। जी, बाज और चील एक ही है, अलग अलग है? बाज अलग होता है, चील अलग होती है। हाँ, लेकिन बाज ज़्यादा ताकतवर होता है। हाँ, बाज उड़ने में ज़्यादा तेज़ी से, उड़ने में ज़्यादा तेज़ी से। तो वाह, ये देखो भाई, बाज ऐसा होता है, बाज है, इसके पंख देखो किस तरह रहते हैं और कैसे नीचे एकदम ग्रिप जो नीचे जाती है बाज की, और नीचे आम की गुठली का इसका स्टैंड है, और ये पूरा आम की गुठली से, ये देखो इसका, देखो अभी इस तरह से कितना सुंदर ये बना हुआ है। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं, क्या बात है, ये जर्सी, जर्सी गायें हैं। अच्छा, जर्सी गायें। हाँ। वाह अंकल जी, वाह। एक बात है, आपने गाय के गले में और ये बांध दी, घंटी भी है, माड़ा भी बांध दी। बहुत सुंदर, देखो भाई। और जर्सी गाय के आम की गुठली से थन भी बना रखे हैं, थन भी बनाए हैं ये भी। इसमें हाँ। कितनी गुठली लगी अंकल जी? इसमें भी डेढ़ गुठली लगी हुई है। ये गुठली लंबी है, ये लंबी गुठली है। ये देखो भाई, ये गायें जर्सी गायें हैं। ये दुशहरी आम की गुठली है, पतली है। अच्छा, हर आम की गुठली दुशहरी आम की गुठली पतली होती है। हाँ। चौसा आम की गुठली छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। और ये गुठली है हाँ। फजली आम की, जो कल ही हमें फजली आम मंगाए थे। अच्छा, सबसे बड़ी गुठली फजली आम की होती सबसे बड़ी गुठली ये पहली बार गुठली आई है। गुठलियों पर भी बात करेंगे हाँ। जी बाद में। और ये अंकल जी, ये क्या है? ये भी चील है, गोल्डन। अच्छा, ये गोल्डन चील है, गोल्डन ईगल जिसको बोलते हैं, गोल्डन ईगल जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर, इसके पंख बड़े सुंदर बनाते हैं। हाँ, ये उड़ रहा, उड़ते हुए दिखाया कि उड़ रहा है ये। अच्छा, ये उड़ रहा है। हाँ, जब भी पंख फैले हुए हैं इसके। ये देखो भाई, इसका, इसकी जो चोंच है, गर्दन है, इस तरह गोल्डन रहती है और पीछे से इस तरह पूरा ब्लैक रहता है। कितना सुंदर आम की गुठली से ये बना हुआ, और इस तरह आप देखते रहो। और ये अंकल जी, ये चिड़िया है। चिड़िया? हाँ, क्या बात है, देसी चिड़िया अपनी। हाँ, चिड़ियों की भी कई वैरायटी होती हैं, कई हाँ, कलर की होती हैं। ये आम घरों में पाई जाती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और वो देखो अंकल जी, और ये वाला अंकल जी, ये भी चिड़िया है। अच्छा। गोल्डन कलर की। हाँ। चिड़ियों में भी इतनी वैरायटी होती हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है चिड़ियों में। जो अपनी पहले देसी चिड़िया होती थी वो तो आजकल कम हो रही है। हाँ, वो कम हो रही, वो भी आपको, वो अलग अलग तरह की चिड़िया देखने लगी है अब। तो इस, ये भी ये देसी आम लग रहा है अंकल जी, देसी आम की गुठली। हाँ जी, देसी आम, इसकी छोटी है। हाँ, छोटी है ये गुठली ना, देसी आम की गुठली है। क्या सुंदर चिड़िया है इसमें। ये भी चिड़िया है। अच्छा, ये भी चिड़िया है। ये क्या बात है, ये देखो भी चिड़िया, कितनी सुंदर चिड़िया, और बहुत ही सुंदर पंख देखो, जैसे चिड़िया के एक्चुअल रहते हैं उसी तरह के पंख और चोंच और उसका फेस, आम की गुठली को किस तरह से कलाकृति उसका डिजाइन बना दिया जी। और ये अंकल जी, ये गधा है। ये गधा जो कुम्हारों के काम की चीज होता है, रोजी का साधन होता है उनका। कुम्हारों की रोजी का साधन गधा है भाई। और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गधे के जो से कान होते हैं ऐसे ही इसके कान बना रखे हैं, ऐसी सा गर्दन है, बिल्कुल पेट और पीछे से जो पिछवाड़ा इसका रहता है, और पूंछ भी बिल्कुल, क्या शानदार गधा बनाया है भाई, बहुत ही सुंदर। और ये अंकल जी, ये वाला, ये बारह सिंगा है। ये बारह सिंगा है, है? अच्छा, बारह सिंगा। हाँ, ये बारह सिंग है इसके। हाँ, ये वाले हैं, ये सिंग हैं इसके। अच्छा, इसको बारह सिंगा बोलते हैं। बारह सिंगा बोलते हैं इसको। इसके भी तीन हाँ, चार कलर, तीन चार रंगों में पाया जाता है ये। तीन चार रंगों में ये पाया जाता है, ठीक है। बारह, ये देखो भाई, बारह सिंगा। ये बारह सिंगा अंकल जी इंडिया में कहाँ पाया जाता है? ये अपने जीन में बहुत मिलते थे। अच्छा, बीड ब्राह्मण में। अच्छा। हाँ, अब नहीं रहे, पहले हमें देखे हुए बारह सिंगे यहाँ। पहले हिरन तो और जीन में इतने ज्यादा होते थे, 40-50 हिरनों की डार इकट्ठी हमें देखी हुई है। ओ, जो ये नेहरू स्टेडियम अपना है, नेहरू पार्क। हाँ हाँ, नेहरू पार्क वाली जगह ये खेत होते थे, तो हर कोई सुबह सुबह लेटरिंग होने जाता था, तो ये वहाँ इतने झाड़ियाँ वड़ियाँ हैं, हम इकट्ठे देखे जी, 40-40 हिरन। और ये अंकल जी क्या है? ये बारह सिंगा है, ये कलर अलग। अच्छा, ये भी बारह सिंगा है। हाँ हाँ, वाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम बारह सिंगा है, सिंग भी बारह होते थे इसके। ये मैं इस बारे में नहीं कह सकता, नाम इसका बारह सिंगा है। नाम इसका बारह सिंगा है, और उसकी ऐसी कला के ऐसा होता है वो बारह सिंगा। जब ये लड़ते हैं ना आपस में बारह सिंगे, तो इनके सिंग ऐसे आपस में उलझ जाते हैं और टूट भी जाते हैं ये। अच्छा। सिंगों से एक दूसरे को सिंग मारते हैं ये। अच्छा,
ऐसे सींग मारते हैं तो सींग आपस में उलझ जाए तो कोई ना कोई मर ही जाता, फिर ये बारह सिंगा जिंदा नहीं बचता। सींग इतने पैने होते हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अंकल जी ऊंट बड़ा शानदार लग रहा है। हाँ, ये ऊंट है, ये देखो भाई, ये राजस्थान की शान जिसे हम कह सकते हैं ऊंट है। क्या अंकल जी, मतलब दिल खुश कर दिया ऊंट से आपने इस तरह से इसको सजा रखा है और उसकी बड़ाई देखो भाई। ये ऊंट राजस्थान में जो ऊंट मेला होता है और वहाँ आप देखोगे तो ऊँटों को इसी तरह से सजाया हुआ आपको मिलेगा भी ऊँट। और आम की गुठलियों से इसका ये देखो कुबड़ सा ऊपर निकला हुआ होता है। और पूरा क्या अंकल जी इसके बारे में बताओ। इस पे इसमें तीन गुठलियाँ लगी हैं। हाँ। और ये भी चौसा आम का है, बड़े आम का। चौसे आम तीन वैरायटी में आते हैं साइज के। हाँ हाँ। तो ये चौसा आम बड़ा है, उसके गुठलियों का बना हुआ है, उसकी गुठलियों का ये बना हुआ है। और उसके बाद ये है अंकल जी अपने पास है ये चिड़िया। ये चिड़िया है, ये चिड़िया ऐसे है, इसमें कई कलर होते हैं, कलरफुल चिड़िया होती हैं ये। ये हमारे घर भी कई बार पेड़ों पे ना ये जो फूल लगे होते हैं ये उड़ते उड़ते ही अपनी चोंच से फूल का जूस पी लेती है चिड़िया। ओ, उड़ते 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 उड़ते। हाँ, और इतनी उड़ते समय इसके पंख दिखाई नहीं देते, ऐसे लगता है जैसे स्टिल हो गई है। अच्छा, क्या बात है, बहुत ही खूब। और ये गोल्डन कलर की वैसे ही चिड़िया है, ये गोल्डन कलर की चिड़िया है जो। अच्छा, वही गोल्डन कलर की चिड़िया। हाँ हाँ हाँ। इसके हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, बनाए हैं मैंने फूल का रस पीते हुए। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर भाई। और ये अंकल जी ये, हाँ ये वाला भी बुगला है, उड़ता हुआ ये उड़ रहा है। इसके देखो टांगे पीछे हैं जैसे उड़ते का स्टाइल है। उड़ता हुआ बुगला देखो भाई, कितना सुंदर लग रहा है उड़ता हुआ बुगला। ये रात को ही बनाया है, थोड़ा गीला है अभी, इस पे चोंच पे इस पे पेंट करना बाकी है। ओके, बहुत ही सुंदर है भाई। ये देखो उड़ता हुआ बुगला है भाई, गजब। और वो मोर, और देखना अंकल जी एक बार, ये मोर भी रात ही बना है। ये देखो भाई क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ये देखो भाई मोर, और पीछे पंख हैं, पंख दिखाओ भाई, पंख कितने सुंदर इसके। और उसी साइज के मोर छोटा है तो पंख भी उसी तरह के छोटे। क्या बात है अंकल जी, हैं तो ये कौन सी आम की गुठली इसमें लगी है। इसमें भी चौसा आम की, काम ज़्यादातर चौसा आम ही खाते हैं घर में तो इसलिए ज़्यादातर चौसा आम की गुठलियाँ ही लगी हुई हैं ज़्यादातर। अच्छा भाई, घर पे चौसा आम के शौकीन हैं अंकल जी। और चौसा आम क्या, ये बहुत ही शानदार मोर बना दिया और पीछे पंख लगा दिए, देखो ये, कितना सुंदर मोर है। मोर बनाया है, है। ये इसमें मेरी मिसेज ने ज्यादा कारीगरी की है। ओ, ये गर्दन ये सब उन्होंने काट के दी, पंख उन्होंने लगाए, पेंट भी उन्होंने किया, रात को ही तैयार किया ही है। ओ, ये हमारी आंटी जी की कारीगरी है इसमें तो है। और भाई ये अंकल जी ये गाड़ी बना दी। हाँ, ये डंपर है, डंपर मिट्टी डालने वाला। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। और इसके डंपर के तो पहिए भी हैं। हाँ, पहिए भी हैं, पहिए भी लगा दिए। ये देखो, और ये डंपर है पीछे से बिल्कुल एज इट इज। और ये सरकारी डंपर है। अच्छा, सरकारी डंपर है। हाँ, देखो ना, H4J8 नंबरिंग, ये देखो H4J8 है, ये सरकारी डंपर है। कितना सुंदर डंपर। और अंकल जी, और ये, ओ, ये मगरमच्छ, सबसे पहली आइटम मैंने यही बनाई थी। अच्छा, सबसे पहली आइटम, सबसे पहले मगरमच्छ ही बनाया था। हाँ, मैंने उस दिन दो आम चूसे। हाँ। कमरे में बैठा था, टीवी पे खबरें में सुन रहा। हाँ। और इसके शेप बना रहा, क्या बनता दो गुठलियों से। हाँ। जब दो गुठलियां आपस में जोड़ी। हाँ। तो मुझे तो मगरमच्छ का मुंह बनते हैं। फिर मैंने एक गुठली को काट के दो बनाए ऐसे, गुठली के गुठली। कितनी गुठली लगी है? तीन गुठली रुकी है इसमें, तीन गुठली। भाई देखो भाई, मगरमच्छ का ऊपर इस तरह ये जो होता है ना, ये सारे ऊपर ये उबार सा उसके बॉडी पे होता है, ये भी सारा, और सारे ये पैर, और ये देखो भी बैक साइड भी नहीं, नीचे से, और ये देखो, और ये नीचे से आम की गुठलियों से जोड़ जोड़ के। और ये जो मगरमच्छ है, मछली पकड़ी हुई है, मछली खा रहा है, कैसा शानदार इसका मगरमच्छ का मुंह। ये तो होगा मगरमच्छ। और ये है भाई आपका स्नेक, सांप। मैंने ये स्नेक बनाया, ये देखो भाई किस तरह फन उठाए हुए सांप है, और चितकबरा है, काला और सफ़ेद सांप। और इसमें कितने गुठली लगी अंकल जी, इसमें यहाँ से ऐसे पूरा दिखाओ इसको एक बार वीडियो से, इसको इसमें कितनी गुठली लगी, गिन लो आप कितनी लगी हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हाँ जी, दस गुठलियाँ लगी होंगी इसमें, हैं दस ग्यारह गुठलियाँ इसका ऊपर ये भी बना है। ये भी देसी आम का बनी हुआ है, गुठलियाँ छोटी छोटी हैं। हाँ, छोटी गुठलियाँ हैं, देसी आम का बना हुआ है ये भी है। तो ये क्या है अंकल जी? ये स्टील का पाइप है। हाँ,
और ये पंखा है, ये पंखा है हाँ। और ये पंखों को सजाया गया है सितारों से, ठीक है। और अब ये चलता भी है, ये चलता है, ये सीलिंग फैन बनाया है तो चलेगा। अच्छा, इसका ये मैंने बटन है हाँ। चार्ज किए दबाएंगे हाँ। तो ये चल पड़ेगा। तो चलाओ इसको एक बार। ये मैंने बटन दबा दिया है हाँ। ये पंखा चलेगा। ओ, ये तो पंखा चलने लग गया है। हाँ। क्या बात है। देखो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ता जाएगा। अभी पहले गियर में है, दूसरा गियर लगेगा, तीसरा गियर लगेगा। ये बिना बिजली के चलता है। इसमें सेल लगा दिया आपने? सेल लगा दिया, उससे चार्ज हो गया ये? हाँ, सेल नहीं लगा ये, ये इसके अंदर तागा डाला हुआ है, तागे पे बट चढ़ा दिए हैं। अच्छा। बट खुलते जा रहे हैं। पहले तागा दिखाई नहीं देता था, अब तागा दिखाई देने लग गया। ये देखो ना, क्या कारीगरी अंकल जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलो ये और दिखाओ, ये क्या है? ये ये अंकल जी तितलियां हैं। ये तितलियां हैं? ओ, बड़े कलरफुल तितलियां हैं क्या अंकल जी? तो ये तितलियां इतनी वैरायटी की होती हैं क्या अंकल जी? हाँ, वैरायटी की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं तितलियों। हाँ। की बहुत वैरायटी है। हाँ हाँ हाँ। एक किताब थी उसमें तितलियां छपी हुई थी, मैंने उसमें से देख के इनकी गुठलियों की कटिंग की है। अच्छा, ठीक है, बहुत ही सुंदर। ये देखो ना आप, दिखाओ ये एक तितली, सबसे पहली तितली मैंने ये बनाई। लो भी देखो कितनी सुंदर तितली और अंकल जी ने बना दी है, एक से एक गजब की तितलियां हैं। ये स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर ये सारी तितलियां यहाँ रख दी हैं। और ये अंकल जी ये दिखाओ, सबसे पहले आपने ये छोटी तितली बनाई थी सबसे पहले, ये वाली है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो भाई, तितली कितने सुंदर खूबसूरत है। जो कलर किया है ये हमारी मैडम ने किया। अच्छा, और आंटी जी से बात कराएंगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये तितलियाँ देखो भाई, ये कितनी सुंदर, एक से एक। थोड़ा सा दूर हटके दिखाओगे एक बार इनको? हाँ, ये देखो भाई, एक से एक सुंदर तितलियाँ हैं। अच्छा, ऐसे उड़ती हैं, बहुत ही सुंदर तितलियाँ। और ये अंकल जी ये बताओ इसके बारे में, ये आम की, कौन कौन से आम की गुठलियाँ हैं? ये तीन आम कल लिए थे। हाँ। तीन आमों का कितना वजन था जी? इन तीन आमों का वजन 2 किलो था। सब ये 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 ये, ये कौन सी वैरायटी की गुठली? फजली है ये, फजली लाई, फजली लाई। हाँ। और ये तीनों गुठलियाँ एक ही आम की। अच्छा, फजली लाई की। और ये कौन सी आम की गुठली है? ये चौसा आम है, छोटा सा। ये चौसा आम की गुठली है, जो चौसा आ रहे हैं। हाँ हाँ, छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। ठीक है, चौसा आम की। और ये वाली गुठली कौन सी आम की? ये भी चौसा आम है। ये और ये भी चौसा आम है। ये गुठलियाँ पहली बार आम ली है ये। अच्छा, हमने ओके मुरब्बा आपको खिलाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बनाया मुरब्बा ये? क्या बात है अंकल भाई, ये आम की गुठलियाँ थी। और अब अंकल जी से पूरा विस्तार से बात करते हैं। तो भाई ये अंकल जी हैं अपने गुलशन भारद्वाज जी, और आपने जो ये इतनी सारी आम की गुठलियों की, जो इतने पक्षी देखे और इतनी कलाकृति अंकल जी ने जो बना रखी हैं, कि आपका ऐसा डंफर हो और मगरमच्छ था, और भी चिड़ियाँ थी, बारासिंगा था, और कितनी तरह की मछलियाँ आपने देखी। तो अंकल गुलशन भारद्वाज जी हैं और इतिहासकार हैं, इतिहास की बहुत सारी चीज़ों का खजाना संग्रह इनके पास है। तो अंकल जी ये बताओ, ये आम की गुठलियों से, वो कहते हैं ना आम के आम, गुठलियों के दाम है। हाँ जी। तो ये आम की गुठलियों से इस तरह से कैसे बनाने का विचार आया और किस तरह बनाई आपने? ऐसा कि अब मैं दुकानदारी से तो रिटायर हो गया हूँ। ठीक है, सारा दिन घर पर रहता हूँ। हाँ। दुकानदार आदमी कभी खाली बैठता नहीं है, बैठता नहीं। तो वो आदत पड़ी हुई है, मैं कुछ ना कुछ करता रहूं घर में। आम का आजकल मौसम है, घर में आम रोज आते हैं, खाते रहते हैं। तो मैं बैठे बैठे टीवी पे खबरें भी देखता रहता हूं, रोज खबरें सुनता हूं। तो दिमाग में यही विचार आया, जब आम खाया तो प्लेट में 2 गुठलियाँ रह गई, तो मैं इन गुठलियों को हम क्या कर सकते हैं। तो दिमाग में विचार आया, इनका कुछ बना के देखते हैं। तो मैंने इन गुठलियों को साफ करके पानी से धोया, तौली से पूंजा, और 2 गुठलियाँ लेके आपस में जोड़ने लग गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि जैसे ये मगरमच्छ का मुंह बन जाएगा। तो फिर मैंने ये दिमाग में जब विचार आया, तो मैंने एक गुठली को लेके चाकू से एक गुठली को
आधा काटा। अच्छा, उसका मुंह खोल दिया, गुठली का मुंह खुल गया। हाँ। तो ये तो यार मगरमच्छ का मुंह बहुत बढ़िया बन गया। फिर दूसरी गुठली का आधा मुंह काटा, उसके पीछे जोड़ दिया। तो ऐसे करते करते मैंने तीन गुठलियां जोड़ी और एक पूंछ लगा दी, इतना बढ़िया मगरमच्छ बन गया। फिर जब एक मगरमच्छ बन गया, मां ऐसे हम सांप भी बना सकते हैं। अच्छा। तो गुठलियां मेरे पास छोटी छोटी देसी आंबों की पड़ी थी, तो मैंने कई गुठलियां जोड़ के सांप बन गया। जब सांप बन गया तो सोचो इसमें तो और भी कई चीजें बन सकती हैं। अच्छा। तो ये जब ये दिमाग में विचार आया तो सोचा क्यों ना इन चीजों की और आइटम भी बना के देखें। तो फिर मैंने ये चीजें और बनानी शुरू कर दी। अच्छा। मेरे पास कुछ बच्चों की पुस्तकें पड़ी थी जो स्कूल टाइम में लगती हैं ना। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने आम की शेप बनाए ना, जो पक्षियों के चित्र बनाए हैं और जिस तरह के होते हैं, हूबहू बनाए हैं आपने। हाँ, वो तो है? बच्चों को पुस्तकें लगती हैं ना। हाँ। तो ऐसी पुस्तकों में जानवरों के, पक्षियों के, तितलियों के चित्र छपे होते हैं। तो वो मेरे पास किताबें घर पड़ी थी 20-25 अलग अलग तरह की। तो मैंने उनमें से देख के फिर चक्कू से, आरी से, ब्लेड से, जो जो औजार की जरूरत थी, मेरे पे सारे घर पड़े रहते हैं क्योंकि उससे पहले मैं सोने चांदी का काम दुकान पे किया 25 साल। तो उन औजारों से मैंने काट काट के ये बनाई हैं। जिस चीज़ को काटने के लिए भाई चक्कू से काम होगा तो आरी वाला चक्कू है। हाँ। एक छोटी सी आरी है लोहे वाली, उससे मैंने गुठलियों को काटा है। और पहले पेन से दिखाओ औजार, दिखाओ अंकल जी एक बार सारे लोग औजार दिखाते हैं आपको। हाँ, और ये लेके आएंगे भाई, ये औजार हैं अंकल जी के, और औजार हैं ये अंकल जी, ये क्या है? ये पत्थरी है, बट्टी है, घिसाने के लिए। हाँ, घिसाने के लिए, ठीक है। और ये छोटी आरी है। अच्छा। इससे मैं ये काटता हूँ भाई, ये देखो ये छोटी सी आरी है, इससे काटते हैं। ये ब्लेड लगे हुआ आरी में, क्या शानदार डिजाइन की। ये कत्ती है, कत्ती से भी ऐसे काटता हूँ। अच्छा, ये हमारे सोने चांदी काटने काम आता है, कतिया बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको अपने तो और कुछ बोलते हैं अंकल, जिसको मैं भी नाम भूल गया इसका तो। अच्छा, ये चक्कू है, कुछ चक्कू से काटते हैं, कुछ चाकू से काट लेते हैं। और ये फेविकोल है, फेविकोल से जोड़ते हैं। हाँ, ये फेविक्विक है ये। अच्छा। कुछ पहले फेविक्विक से जोड़ देते हैं। हाँ। थोड़ा फिक्स हो जाता है, उसके बाद उस जगह भाई डबल पक्का हो जाए। हाँ। फिर फेविकोल लगा देते हैं सारी जगह पे। फिर फेविकोल लगा देते हैं। ये सुराख करने के लिए ये चोबा है। अच्छा, ये जो फट्टियों में सुराख करके फंसाए गए हैं ये। हाँ, ये सोबे से करते हैं। हाँ, फट्टी में थोड़ी सी ठोका और ये बन जाते हैं। तो ये बताऊंगा जी, जैसे कि ये है एक, ये चिड़िया है। हाँ जी, ये एक चिड़िया बनाने में कितने घंटे लगे होंगे? एक चिड़िया बनाने में ये समझो कि लगभग, ज़्यादातर तो सूखने में टाइम लग जाता है। अच्छा। मैंने शुरू में जब खिलौने बनाए वो सिर्फ फेविकोल यूज करता था। फेविकोल जब सूख जाए तो ये अगला काम होगा उस पर। बिल्कुल। तो अब मेरे बाद में मैंने फिर फेविक्विक से जोड़ा तो काम जल्दी होने लग गया। अच्छा, फेविक्विक से जल्दी होने लग गया। हाँ, फेविक्विक से जल्दी जुड़ गया, जोड़ दिया। तो उसके बाद फिर बाद में मैं फेविकोल लगा के ना, ताकि डबल पक्का हो जाए, गिरने पे से भी ये नहीं टूटती है मतलब। अच्छा। हाँ, इतनी पक्की जुड़ी हुई है। और कितने दिन लगे इसमें फिर? इसको एक चिड़िया को बनाने में लगी होंगी लगभग लगभग 2.25 घंटे। 2.25 घंटे। और ये कलर वलर सारा? कलर वलर हमारी पोती पढ़ती है DAV स्कूल में। हाँ। तो वो पेंटिंग करती रहती है। हाँ। वो कौन से फैब्रिक कलर होते हैं। हाँ। फैब्रिक कलर भी घर पे थे। अच्छा। वो मैंने इन पे कर दिए। ओ, आपने इन पे कर दिए। हाँ, हाँ। अच्छा, किए सारे आपने सारा कुछ? कुछ मैंने किए, ज्यादातर मिसेज ने भी किए हमारे। आंटी जी से बात करांगे और आंटी जी बना कर रहे हैं। नहीं, मैं बात नहीं करूँगी। और भाई ये देखो मछली है, ये मछली, ये शुरुआत ऐसी की थी, मुंह खुला था। हाँ, गुठली का है। हाँ, ये मछली होती है ऐसी है समुद्र। हाँ, में ये तो ये चीजों को निगल जाती है। निगल जाती है वांगल। तो इसको जैसे ये बनाने में कितने घंटे लगे? इसको बनाने में लगभग ये 2.25 घंटे। 2.25 घंटे। सबसे ज्यादा समय कौन सा पक्षी बनाने में लगे आपको? पक्षी जो बना रहा था मेरे से बना ही नहीं, वो मैं शेर बनाना चाह रहा था, बना नहीं, कई घंटे लगाए उल्टा सुलटा। अच्छा। तो ये पहले एक गुठली को काट के, एक गुठली काटी, गुठली देना। हाँ, हाँ। एक गुठली को मैंने ऐसे इस रुख का काटा,
ये रुख साबता रहा, इसका ऐसे करके मुंह खोल दिया, फिर एक ऐसे दूसरी गुठली और काटी, वो इसके ऐसे चौड़ा ऐसा ऐसे कर दिया, वो तीन तीन कोना सा बन गया। शेर का मुंह आगे जो कटिंग करा मेरा सही बनता नहीं था। फिर काफी देर सोच समझ के एक ये कटिंग किसी और चीज की वेस्टेज पड़ी थी मुंह वाली, कुदरती लगा के देखी फिट आ गई, तो मैं तो चूहा बनेगा। अच्छा तो मैंने सो फिर चूहा बना दिया इसको। ये शेर बनावा था अंकल जी, शेर तो बना नहीं और लेकिन चूहा बिल्कुल शानदार बना दे। ऐसा ही चूहा आपा कई वजह ये पेड़ की टहनी घर बार पेड़ है टहनी बेल की तोड़ के पूंछ बना दी। तो अंकल जी ये तो है ना वो पूरा बात जब देखते ना रेलवे स्टेशन पे, हाँ, बड़े बड़े ये वही बबर से चूहा है, इसको घीस बोलते हैं चूहे को, घीस बोलते हैं, घीस बोलते हैं। बड़े शानदार चूहा ये देखो कितना शानदार, बहुत ही गजब है। एक से एक अंकल जी आपने ना मतलब और सबसे बड़ा हमने चीजें ये पसंद में आई जैसे ऊंट है, हाँ जी ऊंट की आपने और कलर तो सेम किया ही आपने, इसको डिजाइनिंग भी कर दी। ये डिजाइनिंग मेरी मैडम ने की है आपके आने से 15 मिनट पहले की है। अच्छा क्या उनके पास ये चीज पड़ी थी, कहते हैं इसको और सजा दें थोड़ा, और सजा देते हैं थोड़ा सा, बहुत सुंदर है। ये मोर पे पंख हैं, ये मोर पे पंख भी मैडम ने रात को ही तैयार किया, उन्होंने लगाए हैं। अच्छा हाँ। ये कलर भी उन्होंने किया है। अच्छा ये मोर पे पंख है भी आंटी जी ने किया है। अच्छा ये भी अपने टाइम स्कूल में अच्छी ड्राइंग होती थी इनकी, मुझे मालूम है भी ड्राइंग अच्छा कर लेती हैं। अच्छा। ये गुठली पे जो ड्राइंग की ना पेंसिल से चोंच है ये एक गुठली से सिर्फ ये इतना हिस्सा बना है, ये नीचे दूसरी गुठली है, ये तीसरी गुठली के हमने पंख बना दिए। आपकी उम्र कितनी होगी अंकल जी? मेरी 74 साल, 74। और आंटी जी की? आंटी जी की लगभग है 68 साल, 67-68। भाई ये देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 74 साल की उम्र अंकल जी की है गुलशन भारद्वाज जी, और आंटी जी का नाम प्रमोद रानी, और 68 साल के यानी 70 साल से 2 साल कम आंटी जी है। और इस उम्र में भी जिनको आ रहा है जो 60 साल का आदमी रिटायर हो जाए है तो सबसे ज़्यादा जो 60 और 70 का जो पीरियड होता है ना, वो रिटायरमेंट होने के बाद आदमी है ना या तो कहीं ताशे खेल दे पाओगे या उसने कुछ काम ही नहीं पाओगा या उसको एक माहौल वैरायटी मिल पाते और उसके कारण बड़ा डिप्रेशन में रहता है। तो लेकिन अंकल जी ने देखो 74 साल की उम्र में भी कितने शानदार एक से एक आम की गुठलियों से और ये बना दी हैं। तो भाई मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।